गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। यह संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब तक होगी जब तक आपकी जरूरत है। तालाब एक ही है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। सोच सोच का फर्क होता है, आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं, तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी ही होगी। याद रखना कि जिंदा आदमी ही मुस्कुराएगा, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता, और कुत्ता चाहे तो भी मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना तो सिर्फ मनुष्यों के भाग में ही है, इसलिए जीवन में सुख आए तो हंस लेना, लेकिन दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया, दिया संसार चलाने देवी देवताओं को तो उनसे भी मोक्ष छीन लिया। मत करना अपने आप पे गुरूर ऐ इंसान, भगवान ने तेरे जैसे और मेरे जैसे ना जाने कितनों को मिट्टी से बना के मिट्टी में मिला दिया। कभी कभी ज्यादा अच्छा होना या ज्यादा सुंदर होना भी सजा बन जाता है। इसका एक सटीक उदाहरण है कि एक्वेरियम की मछलियाँ जीवन भर अपनी खूबसूरती की सजा काटती है। यह कहानी तीन फ्रेंड की है, ज्ञान, धन और विश्वास। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तीनों में प्यार भी बहुत था। एक बार जब तीनों को अलग होना पड़ा, तो तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि हम कहाँ मिलेंगे। ज्ञान ने कहा मैं मंदिर, मस्जिद और विद्यालय में मिलूंगा। धन ने कहा मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप था। जब दोनों मित्र ने उससे चुप रहने का कारण पूछा, तो विश्वास ने रोते हुए कहा मैं जो एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं आ सकता हूँ। इसलिए विश्वास को कभी टूटने मत देना, हमेशा उसे बनाकर रखना। ये जिंदगी है, यहाँ जीने के लिए कड़वा घूंट भी पीना पड़ता है। दिखाने से लोग और दर्द देते हैं, इसलिए जख्मों को खुद ही सीना पड़ता है। ये जिंदगी है, यहाँ लोगों को जो अच्छा लगता है वही दिखाना पड़ता है। कितना भी दर्द हो सीने में मुस्कुराना पड़ता है। कुछ रिश्ते जिस हाल में हैं, उन्हें उसी हाल में छोड़ देना बेहतर है। उन्हें ज्यादा संभालने की कोशिश में कभी कभी हम खुद ही बिखरने लगते हैं। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई, मगर टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे तक ले आई। सब फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त करता है। कुछ कमियां मुझ में थी, कुछ कमियां लोगों में थी। फर्क सिर्फ इतना सा था कि वो गिनते रहे और हम नजरअंदाज करते रहे। किसी ने पूछा कि सब जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो। मैंने कहा कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, ये देखना अच्छा लगता है। पहले एक कमाता था, नौ खाते थे, इसलिए उसे नौकरी कहते थे। बाद में एक कमाता था, चार खा लेते थे, इसलिए उसे चाकरी कहते थे। इसके बाद जितना मिलता था वो खुद के तन के लिए ही पूरा पड़ता था, इसलिए उसे तनख्वाह कहते थे। अब तन को भी पूरा नहीं पड़ता, इसलिए उसे वेतन कहते हैं। और आजकल के लड़के लड़कियां सिर्फ सेल फोन लेने के लिए ही जॉब करते हैं, ये उसे सैलरी कहते हैं। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय तीन विशेष रचना की। पहला, अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसका सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। दूसरा, मृत्यु के बाद देह अर्थात शरीर में दुर्गंध उत्पन्न कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को कभी भी जलाता या तप्त नहीं करता। और तीसरा, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट या अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ भूलना दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता या जीने की इच्छा नहीं होती।
तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।